जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं गीतांजलि आपके अपने मसाला चम्मच में स्वागत करती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर के इस खास मौके पर हम आपको बनाना सिखाएंगे मिल्क केक, और उम्मीद करते हैं ये साल सबके लिए बहुत ही अच्छा आए और जल्दी से COVID-19 का टाइम निकल जाए और सब अच्छे से हेल्दी और वेल्दी रहे। तो सीखते हैं मिल्क केक रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाना सीख रहे हैं मिल्क केक, और इसको हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। एक हमने लिया है दूध, ये 1 लीटर दूध है, ये भैंस का दूध है, आप चाहें तो पैकेट का या गाय का दूध ले सकते हैं। मीठा डालने के लिए मैंने लिया है बूरा, आप चाहें तो पाउडर शुगर या फिर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक लिया है मैंने मीडियम साइज नींबू का रस। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना मिल्क केक बनाना। मैंने कढ़ाई में अपने सारे दूध को कर दिया है, और इसको हल्का सा एक बार चला दें ताकि आपका दूध नीचे नहीं लगे, और इसको आपको उबाल आने तक इसी तरीके से पकाना है धीरे धीरे। और एक उबाल आने देते हैं। अब देखिए मेरे दूध में उबाल आ गया है, और एक उबाल आने बनने के बाद आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें और इसको इसी तरीके से पकने दें। 10 मिनट हमारे दूध को पकते हुए हो गया है। जब हमारा दूध 1/3 हो जाए तब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। इसको इसी तरीके से उबलने देते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने हैं। बहुत सिंपल ये हमारा मिल्क केक बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मेरा दूध अब 1/3 हो गया है और लगभग 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा नींबू का रस। तो नींबू के रस को आप धीरे धीरे करके मिलाएं और एक हाथ से आप अपने दूध को चलाते रहें, और देखिए इसमें गुठलियाँ बनने लगी हैं, एकदम दानेदार बन रहा है हमारा मिल्क केक। मिल्क केक हमेशा दानेदार ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यूसली 5 से 7 मिनट के लिए चलाते रहें। तो देखिए अब लगभग 5 से 7 मिनट हो गए और हमारा कितना अच्छे से दानेदार मिल्क केक बनने लगा है। इसमें हम इसमें 1 चम्मच देसी घी मिलाएंगे, जिससे इसके अंदर एक खुशबू तो आएगी ही और एक सॉफ्टनेस भी आएगी, इसलिए हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। और देखिए अभी हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब है अब आप इसमें मीठा मिलाएं। आप पहले मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसको चलाना पड़ेगा और टाइम लगेगा, इसलिए जब आपका मिल्क केक कढ़ाई छोड़ने लगे, नीचे थोड़ा सा घी आने लगे, तब इसमें आप मीठा मिलाएं। और देखिए एकदम परफेक्टली अब रेडी हो गया है, और इसकी मेन पहचान ये है, ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, साइड में हमारा ये जमने लगा है, तो इससे पता चलता है हमारा मिल्क केक बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे, और मैंने एक ये डोंगा ले लिया है, इसको देसी घी से ग्रीस कर लिया। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं या कोई भी ऑयल से इसको ग्रीस करके इसमें अपने सारे मिल्क केक को पलट दें, और इसको एक जैसा कर लें आप किसी भी स्पैचुला या किसी भी कड़छी की हेल्प से। और देखिए एक जैसा हो गया है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर दूंगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे इसको गार्निश कर दें, और 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें जब तक कि हमारा जम नहीं जाता। तो मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि हमारे पिस्ता निकले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। और देखिए 3 से 4 घंटे हो गए, और इसको साइड से हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि ये ईजली निकल जाए, और अगर आपको इसको निकालने में दिक्कत हो रही हो तो हल्का सा आप लो फ्लेम पर इसको नीचे से थोड़ा सा गर्म कर लें, उससे ये बहुत ही आसानी से निकल कर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हल्का सा टैप करके इसको निकाल ले। देखिए परफेक्टली मेरा मिल्क केक एकदम निकल गया है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है ये, और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप किसी भी अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करें, और इसको किसी भी अपने खास मौके पर बनाएं और कट करें, मेरा मिल्क केक रेडी है।
मेरे मिल्क केक की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और न्यू ईयर या किसी भी खास मौके पर आप इसको बना सकते हैं। अगर आप बाहर का केक पसंद नहीं करते, या आपके घर में बड़े हैं जो बाहर का केक नहीं पसंद करते, तो उनके लिए भी आप ये स्पेशल और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मिल्क केक रेसिपी बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धार्मिक को घंटा बजा दें। धन्यवाद।